क्या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक के निदेशक के नियुक्ति प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी हुई है? कम से कम दो सांसदों और सूचना के अधिकार के लिए काम कर रही दिल्ली स्थित संस्था एनसीपीआरआई के एक सदस्य ने राष्ट्रपति और मानव संसाधन विकास मंत्री को चिट्ठी लिखकर नियुक्ति में गड़बड़ी की शिकायत की है। एनडीटीवी इंडिया के पास इन चिट्ठियों की कॉपी है, जिसमें पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए जांच की मांग की गई है। दो सांसदों की मानव संसाधन विकास मंत्री को लिखी ये चिट्ठियां और एक आरटीआई कार्यकर्ता की राष्ट्रपति से शिकायत। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी आईआईएम रोहतक के निदेशक पद पर हुई नियुक्ति में गड़बड़ी का मामला है। पिछले साल आईआईएम रोहतक में निदेशक के पद पर प्रोफेसर धीरज शर्मा को नियुक्त किया गया। तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद सौगत रॉय ने मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को लिखा है, मैं इस पत्र के साथ कुछ दस्तावेज संलग्न कर रहा हूं, जो आईआईएम रोहतक में निदेशक की नियुक्ति में गड़बड़ी के बारे में है। शिकायत वास्तव में गंभीर है, इस मामले में जल्द उचित कार्रवाई की जाए। ओके, तो मूल रूप से जो प्रोसीजर के फॉलो नहीं किए जाने को लेकर भी गलत है, इनका क्वालिफिकेशन भी फर्स्ट है। और आप चाहते हैं सर इस पर पूरी इंक्वायरी हो या ठीक और कार्रवाई हो? उधर राज्यसभा के वामपंथी सांसद डी राजा ने भी इस बारे में एचआरडी मंत्री से शिकायत की है। The matter deserves to be investigated and examined. So I have taken it up in the interest of the institution and the future of the institution. कभी आईआईएम अहमदाबाद में रह चुके प्रोफेसर धीरज शर्मा की नियुक्ति पिछले साल इस आईआईएम रोहतक के निदेशक पद पर हुई, लेकिन कोलकाता के एक आरटीआई एक्टिविस्ट अमिताभ चौधरी कहते हैं कि उन्हें सूचना के अधिकार कानून के तहत जो दस्तावेज मिले हैं वो कई सवाल खड़े करते हैं। All are without debt. All this can be possible only with if the directions. साल 2015 में इस पद के लिए इश्तहार निकाला गया, जिसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास के अलावा किसी प्रतिष्ठित संस्थान से पीएचडी और कम से कम 15 साल का टीचिंग और रिसर्च अनुभव मांगा गया। अमिताभ चौधरी आरटीआई से मिले दस्तावेजों के आधार पर दावा करते हैं कि प्रोफेसर धीरज शर्मा के बायोडाटा से कहीं भी उनकी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास का पता नहीं चलता, जबकि निदेशक की नियुक्ति करने वाली सर्च और सिलेक्शन कमेटी के मिनट्स बताते हैं कि फर्स्ट क्लास न होने की वजह से कमेटी ने एक दूसरे आवेदक प्रोफेसर भार्गव को रिजेक्ट किया था। चौधरी कहते हैं कि इसके अलावा प्रोफेसर धीरज शर्मा के पेशेवर अनुभव को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है कि क्या वो इस पद के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं। मेरे को लगता है जैसे वही कैंडिडेट को एकोमोडेट करने के लिए ये प्रोफॉर्मा भी एप्लीकेशन का प्रोफॉर्मा भी ये लोग ये कर दिया, मैनिपुलेट किया एंड आफ्टर दैट द डॉक्यूमेंट्स व्हाट दे गॉट इवन आफ्टर आस्किंग ये उसको मांगने के बाद भी बाजू वो लोग मेरे को ये नहीं दिया। एनडीटीवी ने इस बारे में सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के तत्कालीन सदस्य और आईएम रोहतक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के तत्कालीन चेयरमैन रविकांत को सवाल भेजे। हमने उनसे ईमेल और एसएमएस के जरिए संपर्क किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। एक सवाल ये भी है कि इस मामले में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके तहत 5 सदस्यों की सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी बनाई जानी थी जो निदेशक की नियुक्ति करता, लेकिन एसीसी यानी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट यानी प्रधानमंत्री जिसके मुखिया होते हैं उनको भेजे गए पैनल का जो पत्र था उसमें सिर्फ 3 लोगों के हस्ताक्षर हैं। दस्तावेज ये बताते हैं कि एक सदस्य अनंत नारायणन ने कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया और एक अन्य सदस्य वीके सारस्वत ने कमेटी की मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। गंभीर बात यह है कि टाइप किए गए इस पत्र में जिन उम्मीदवारों की सिफारिश की गई है उनके नाम हाथ से लिखे गए हैं और सिफारिश करने वाली कमेटी के सदस्यों के दस्तखत के साथ कोई तारीख नहीं है। इन डॉक्यूमेंट्स व्हाट दे आर सेंडिंग टू द प्राइम मिनिस्टर at the highest level and that was without date. That means I consider in my appeal I told them that it appears that it may be even forged documents to manipulate them. कमेटी के जिन 3 सदस्यों ने दस्तखत किए हैं उनमें से एक विनयशील ओबेरॉय तो उस वक्त मंत्रालय में उच्च शिक्षा के सचिव थे। जानकार कहते हैं कि सचिव का कमेटी में होना चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। आईआईएम अहमदाबाद में डीन और डायरेक्टर इंचार्ज रह चुके जगदीप छोकर को भी दाल में काला नजर आ रहा है।
मैं ना सिर्फ आई आई एम अहमदाबाद में, मैं दूसरी आई आई एम में भी सिलेक्शन प्रोसेस में रहा हूँ, विदेश की यूनिवर्सिटियों में भी सिलेक्शन प्रोसेस में रहा हूँ। इस तरह का सिलेक्शन प्रोसेस मैंने कभी देखा नहीं है, ये थोड़ा सा अजीब है। पांच में से दो लोगों का सिलेक्शन के टाइम पे मौजूद या हाजिर ना होना एक कुछ अजीब सी बात मुझे लगती है। ये बात तो यानी आम तौर पे ऐसा मैंने होते नहीं देखा कभी। शिक्षकों का प्रशिक्षण किया, 14 लाख शिक्षकों का डीएलएड कोर्स भी चल रहा है। एचआरडी मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने गुरुवार को समग्र शिक्षा अभियान लॉन्च करते हुए अपने सरकार की कामयाबियां गिनाई, लेकिन जब हमने आईआईएम रोहतक के निदेशक की नियुक्ति पर सवाल पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि जब पता चलेगा तो जांच करेंगे। सर, दो सांसदों ने आपको सिर्फ चिट्ठी लिखी है आईआईएम रोहतक के जो डायरेक्टर हैं उनकी नियुक्ति में गड़बड़ी को लेकर, आप मुझे दीजिए। नहीं, आपको लेटर नहीं लिखा है तो मुझे मिलेगा तो मैं करूंगा सर। लेकिन जो नियुक्ति हुई थी उसमें एचआरडी सेक्रेटरी भी एससी कमेटी में थे। सवाल को टालते हुए मंत्री जी फिर से अपनी सरकार की कामयाबियां गिनाने लगे। इस बारे में एनडीटीवी इंडिया ने प्रोफेसर धीरज शर्मा को सवाल भेजे। उनका पक्ष जानने के लिए उनसे कई बार ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप और फोन के जरिए उनसे संपर्क किया, लेकिन उन्होंने हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं भेजा। अमिताभ चौधरी ने अब इस नियुक्ति के खिलाफ राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। ये सिर्फ एक आईएम में निदेशक की नियुक्ति का मामला ही नहीं है, क्योंकि आईएम देश के सेंटर ऑफ एक्सलेंस कहे जाते हैं और हाल में सरकार ने खुद इन्हें ऑटोनॉमी देने के लिए कानून बनाया है। इसलिए ज्यादा जरूरी है कि यहाँ जिन लोगों की नियुक्ति हो रही है उसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है उस पर नजर रखी जाए और उसकी जांच हो। अपने सहयोगी कानन पात्रा के साथ रोहतक से हृदय जोशी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।